हाय दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग ये कुर्ती पे कर रही हूँ। और ये अगर आप लोग को कुर्ती सिलने नहीं आता है तो कुर्ती बनाने के रेडीमेड कुर्ती आप ख़रीद लें, उस पे भी इस तरह से मधुबनी पेंटिंग आप कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग आपको अगर सीखना है प्रैक्टिस के लिए तो आप सबसे पहले ब्रश चलाना सीखें। अगर ब्रश चलाना आप सीख गए और ब्रश पे आपका कंट्रोल हो गया और बेसिक है डिज़ाइन बनाना, उस पे भी आपका अगर कंट्रोल हो गया तो आप पेंटिंग आप कर लेंगे। देखने में हार्ड होता है मगर प्रैक्टिस करने के बाद हार्ड नहीं होता है। कोई भी काम अगर करते हैं और मेहनत से करते हैं तो मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एडमिशन लेना चाहें। बेसिक से मधुबनी पेंटिंग सिखाते हैं, एक बेसिक क्लास भी आप लोग को बताएंगे, सारा अपना देंगे। बेसिक का मतलब हुआ लाइन करने से लेकर के पहले बहुत सारा भबड़ा बताएंगे, फिर फीस बताएंगे, हर तरह का अलग पार्ट बाय पार्ट बेसिक से सिखाएंगे। जो कुछ भी नहीं जानते हैं ड्राइंग एकदम जीरो, उनको भी मैं सिखा दूँगी। बस आपको मेरे पास आना पड़ेगा, एडमिशन लेना होगा, उसके बाद देखिए आपके हाथों में जादू मैं कैसे डाल देती हूँ। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं सारे लोग ड्राइंग करना भी नहीं जानते थे और अच्छे 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 सब ड्राइंग कर रहे हैं। सारा ब्लैक का काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद कलरफुल करेंगे। चाहे तो उसी ब्लैक ब्लैक का भी काम करके आप कुर्ती में छोड़ सकते हैं और चाहे तो कलरफुल बना सकते हैं। मैं इसको कलरफुल बना रही हूँ और बहुत ही सारा पहले ब्लैक का काम कर लेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और आकर के एडमिशन लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।